असलकम स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे समर 2012 और बारह का क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि बी एफ डी का एक पेपर क्वेश्चन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रीजल के टॉपिक का तो इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को समझते हुए हम लोग पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर सॉल्व करते हैं सवाल में लिखा हुआ है बीटा लिमिटेड बी एल इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर इन पाकिस्तान एंड यूनाइट अरब एमरेट्स बीटा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और वो बिजनेस करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का और वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान में भी बेचती है यानी कि लोकली और यूनाइटेड अरब एमेरेट्स में भी बेचती है यानि कि इंटरनेशनली BL is presently experiencing a decline in sales of its products. Market research carried out by the marketing department suggests that sustained growth in sales and profits can be achieved by offering a wide range of products rather than a limited range of quality products. In this regard, BL is considering the following two mutually exclusive options. Company niche diye gaye do mutually exclusive alayda alayda options jo hai, unse, uh, wo, इवेल्यूएट कर रही है ऑप्शन नंबर वन इंट्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन मार्केट पहला ऑप्शन यह है कि कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बीन वर्कड आउट बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू व्हेन यूजिंग अ अमिनल डिस्काउंट रेट ऑफ थर्टीन परसेंट डिस्काउंटेड पे पीरियड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन नंबर टू इंपोर्ट वेराइटी ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना चाइना से चीजें इंपोर्ट करी जाए रियल वर्ल्ड बाय इन बल्क फ्रॉम चाइनीज सप्लायर्स एंड सेल इट टू दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऐसा करने में मैं चाइनीज सप्लायर से चीजें खरीदूंगा और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को चीजें बेचूंगा द प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज एट करंट प्राइजेस करंट प्राइजेस का मतलब रियल यानी कि नॉन इन्फ्लेटेड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑप्शन आर एस फॉलोज फिर कुछ कैश फ्लोज दिए हुए द फॉलोइंग इज अवेलेबल द करंट स्पॉट रेट इज रुपी इज इक्वल्स टू यू एस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो क्या बी एल एवेल्युएट ऑलर इन्वेस्टमेंट यूजिंग नॉमिनल रुपी कैश फ्लो एंड अ नॉमिनल डिस्काउंट रेट inflation in pakistan and usa is expected to be 10% and 3% per annum respectively text may be ignored evaluate the two options using net present value discounted payback period internal rate of return and modified internal rate of return give brief comments on each of the above methods of evaluation and their relevance in the given situation For the purpose of evaluation, assume that BL has a four years time horizon for investment appraisal. Seventeen marks. सो so, ये सत्रह marks का question है और इस सत्रह marks के question में बहुत सारी बातें हैं और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये question जो है वो आप आगे बढ़ने से पहले अच्छे से ख़ुद से read कर लें जब आप ख़ुद से read कर लेंगे तो मेरे समझाने में आपको बातें जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर और जल्दी समझ आएँगी और ओवरऑल जो है वो फायदा होगा अगर आप ये पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो ये है कि आपने ये देखना है कि भाई फॉरेन से आपको कितने कैश फ्लोज आ रहे हैं ठीक है ना देखिए ये जो टेबल बना हुआ है इसमें कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अगेंस्ट रिपोर्ट फ्रॉम चाइना चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करोगे तो पच्चीस मिलियन डॉलर्स पे करोगे ईयर वन पर इम्पोर्ट के बीस मिलियन पे करोगे और इसी तरह ये सारी पेमेंट्स आप इनकर करोगे यू में जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे ये डॉलर्स आएंगे ठीक है और ये आपकी लोकल करेंसी के कैश फ्लोजर देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए ना वो ये करना चाहिए कि यर जीरो वन ईयर नंबर टू ईयर नंबर थ्री और नंबर फोर पर आप ये कैलकुलेट कर लो कि जो फॉरेन करेंसी है उसका नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो क्या है देखिए इर ज़ीरो पर तो आपने चाइना को पच्चीस मिलियन पे करना है ठीक बात है सही है ये नंबर वन में क्या करना है आपने ईयर वन में ये हो सकता है क्या आपके यू ए से जो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सेवन डॉलर्स आ रहे हैं उससे आपने बीस मिलियन की चाइना को पेमेंट कर दी और बाकी आपके पास बच गए इसी तरह से ईयर नंबर टू पर ट्वेंटी फ़ोर पॉइंट वन फाइव मिलियन जो यू से आए उससे ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री थ्री मिलियन डॉलर्स की पेमेंट कर दी तो आपके हाथ में टू पॉइंट एट टू बच गया इसी तरह से ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू थ्री जो यू से आए तीसरे साल उससे ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री थ्री की चाइना को पेमेंट कर दी और आपके हाथ में नेट टू पॉइंट नाइन बच गए और लास्टली आपके पास जो है वो यू से ट्वेंटी थ्री मिलियन आए और आपने चाइना को ट्वेंटी मिलियन की पेमेंट कर दी तो आपके हाथ में टू बच गए अब एक और बात जो आपने याद रखी है वो ये है कि इसने लिखा हुआ था द प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज एट करंट प्राइजिस आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑप्शन आर एस फॉलोज यानी कि ये जो कैश फ्लोज है ना ये करंट प्राइजिस की टर्म में है यानी कि रियल कैश फ्लोज हैं यानी कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है और अगर हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं बी एल एवेल्यूट ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट यूजिंग नामिनल रुपी कैश क्लोज एंड अ नॉमिनल डिस्काउंट रेट तो इसका मतलब ये है कि सवाल ये चाह रहा है कि हम नॉमिनल कैश क्लोज़ पर वर्किंग करें तो जब हम नॉमिनल कैश क्लोज़ पर आएंगे तो ये तो ईयर जीरो की टर्म्स में ये तो ऐसे ही रहेगा ये जो टू पॉइंट फोर सेवन मिलियन डॉलर्स हैं ऑब्वियसली ये टू पॉइंट फोर सेवन मिलियन डॉलर्स तो हैं लेकिन ये जो डॉलर्स हैं इसमें इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट शामिल नहीं है तो आप बुलेट नंबर थ्री अगर देखते हो तो लिखा हुआ है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एंड यू एस एज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेन परसेंट एंड थ्री परसेंट पर एन एम रिस्पेक्टिवली यानी कि जो आपकी यू एस करेंसी है वो तीन परसेंट से हर साल जो है ना उसकी इन्फ्लेशन होती है तो ये जो आपके डॉलर्स हैं इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कर दो वन पॉइंट ज़ीरो थ्री से ठीक है ना तो टू पॉइंट फाइव फ़ोर आया अच्छा ईयर टू वाला जो अमाउंट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर टू से बिकॉज ये ईयर टू पर है तो दो सालों की इन्फ्लेशन शामिल करेंगे इसमें इसी तरह से ये जो टू पॉइंट नाइन जीरो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर थ्री से यानी कि तीन साल की इन्फ्लेशन शामिल है करनी है इसी तरह से ये टू पॉइंट सेवन है इसमें आप चार साल की इन्फ्लेशन शामिल करोगे चार साल की इन्फ्लेशन शामिल करने का मतलब वन पॉइंट जीरो थ्री से मल्टीप्लाई पावर फोर से मल्टीप्लाई वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर फोर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो इस तरह से आप जो है वो इन आ, चीज़ों में अपनी इन्फ्लेशन को इन बिल्ट या कह सकते हो कि इनकॉर्पोरेट करोगे अब ये जो आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं ना ये इन्फ्लेटेड है इसमें इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट शामिल है दूसरी चीज़ ये है कि आपको सारी वर्किंग्स जो है वो रुपीस में करनी हो और ये है आपके पास डॉलर्स तो अब डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट भी करना होगा अच्छा हमारे पास एक स्पॉट रेट दिया हुआ है रुपी वन इज इक्वल्स टू यू एस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन 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 ठीक है ना हमें जो स्पॉट रेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है रुपी वन यानी कि एक रुपया किसके बराबर है एक रुपया जो है ना वो बराबर है यू एस डॉलर यू एस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन 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 के ये हमें दिया हुआ है ठीक है एक रुपया इतने डॉलर्स के बराबर है ये इक्वेशन दी हुई है लेकिन क्योंकि हमें डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है ना तो बेहतर तरीका ये होगा कि मैं दोनों साइड्स को ज़ीरो पॉइंट जीरो वन 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 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा रुपीज़ मैं क्या करूं ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को जीरो पॉइंट जीरो वन 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 से डिवाइड करूं और मैथ्स का रूल है कि अगर राइट right साइड को आपने एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड किया है तो आपको जो लेफ़्ट साइड है उसको भी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा तो ऐसा करने से होगा क्या ऐसा करने से मुझे पता चल जाएगा कि आज एक डॉलर कितने रुपीज़ का है आज एक डॉलर कितने रुपीस का है जो मुझे रेट दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि एक रुपये में कितने डॉलर्स से लेकिन जब मैं कन्वर्जन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक एक डॉलर में कितने रुपए हैं ठीक है ना ये बिल्कुल इसी तरह से कि लेट से आपको लिखा हुआ लेट से आपको दिया हुआ हो कि भाई लेट से एक रुपया जो है ना एक, एक रुपया ये आपको दिया हुआ लेट से दो रुपए जो है ना वो बराबर है इक्वल है यूएस डॉलर ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर के तो अगर आपको यह पता है कि दो रुपए चार डॉलर के बराबर है तो एक रुपया कितने डॉलर्स के बराबर होगा इसके लिए आप दोनों साइड्स को टू से डिवाइड करोगे मेन मकसद क्या होता है कि जिस चीज़ में कन्वर्जन चाहिए उसको वन बनाना तो इसी तरह से आप कन्वर्जन रेट्स में दोनों साइड को किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर सकते हो मैंने क्या किया, किया कि दोनों साइड्स को जीरो पॉइंट जीरो वन 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 से डिवाइड कर दिया ताकि ये वन हो जाए और ये वन जब जीरो पॉइंट जीरो वन 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 से डिवाइड हो तो कितने रुपीज़ के बराबर ये हो जाए यानी कि आज एक डॉलर नाइन्टी पॉइंट ज़ीरो नाइन जीरो जीरो नाइन रुपीज़ के बराबर है तो ये जो मेरे फॉरेन आउटफ्लोज हैं ना इसको अगर रुपीस में लिखना चाहूँ तो ये जो 25 मिलियन का आउटफ्लो है ये जो 25 मिलियन का आउटफ्लो है ये 25 मिलियन का आउटफ्लो जो है ये कितने रुपीस के बराबर है 22.52.25 ठीक है 22.52.25 ये नंबर वन पर आते हैं ये नंबर वन पर 2.54 मिलियन डॉलर्स लिखे हुए इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं और इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए सबसे पहले हमें ये भी मालूम है दोनों मुल्कों का इन्फ्लेशन रेट क्या हमें पता है कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एंड यूएसए एस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेन परसेंट एंड थ्री परसेंट पर एन एम रिस्पेक्टिवली इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एंड यू एस एज एक्सपेक्टेड टू तो बी टेन इन परसेंट एंड थ्री परसेंट पर एन एम रेस्पेक्टिवली तो हमने जो है वो ओ, क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी पड़ है यानी कि हम क्या करेंगे हम जो है वो ओ, अगर मुझे ये मालूम करना है कि भाई आज एक नाइन्टी पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो ज़ीरो नाइन रुपीज़ जो हैं वो इतने यू एस डॉलर्स के बराबर हैं तो हम इंटरेस्ट रेट पेरेटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैंने ब्रीफली पहले डिस्कस किया था इंटरेस्ट रेट पैरिटी इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या होगा पाकिस्तानी पीके आर पाकिस्तानी रुपी मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस पीके आर इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू यू एस डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस यूएस डॉलर इन्फ्लेशन ठीक है इंटरेस्ट रेट पैरिटी में पाकिस्तानी रुपी मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस पीके आर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू यूएस डॉलर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस यूएस डॉलर इन्फ्लेशन ठीक है ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम इसको और फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी के आर इंटू वन प्लस पी के आर इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाई वन प्लस यूएस इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू यूएस डॉलर यानी कि ये जो यूएस वन प्लस यूएस डॉलर इन्फ्लेशन है इसको मैं दूसरी साइड ले आया तो इसका मतलब एक साल बाद रुपीज हम जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो हर साल के निकाल सकते हैं ठीक है ना ईयर वन का ये 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 कब का ये ईयर जीरो का ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर इक्वल 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 यूएस डॉलर यूएस डॉलर यूएस डॉलर वन 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 क्योंकि राइट साइड पर तो मैंने यूएस डॉलर ही रखा है ना अब मैं क्या करूंगा इसको वन प्लस पीके आर इन्फ्लेशन पीके आर इन्फ्लेशन यानी कि टेन परसेंट डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री परसेंट यानी कि यूएस इन्फ्लेशन ठीक है मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं देखें हर साल मैं क्या कर रहा हूं पीके यार की अमाउंट को दस परसेंट से बढ़ा रहा हूं और फिर उसको वन प्लस थ्री परसेंट से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि वो जो राइट right साइड पर मल्टीपल है वो लेफ्ट साइड पर आया है तो ये हमने इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पैरिटी और इन परचेजिंग पावर पैरिटी जो है सॉरी ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं ये परचेजिंग पावर पैरिटी है ना परचेजिंग पावर पैरिटी इस इसमें हमने पढ़ा था अब क्या होगा भाई अब सीधा सीधा ये होगा कि ये जो टू पॉइंट फाइव फोर मिलियन डॉलर्स हैं ये कितने रुपीज़ होंगे एक डॉलर जो है वो एक साल बाद नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू वन टू सेवन टू रुपीज़ का होता है तो मल्टीप्लाई किया ये टू फोर्टी फोर पॉइंट सेवन सेवन समथिंग आ रहा है ठीक है उसके बाद इसी तरह से इसको मैंने इस पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई किया सही है तो थ्री जीरो सेवन पॉइंट समथिंग आ रहा है उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर रेट को यानि कि थ्री पॉइंट वन सेवन को वन जीरो नाइन पॉइंट सेवन थ्री फोर सिक्स वाले रेट से मल्टीप्लाई किया ठीक है और उसी तरह से मैंने इसको वन पॉइंट वन नाइन टू 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 वाले रेट से मल्टीप्लाई किया ठीक है ना एक चीज़ मैं चेक करना चाहूँगा चले सही है ठीक है भाई अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ देखिए रेट्स ऐसे भी लिखे जा सकते हैं कि एक यूएस डॉलर कितने रुपीस के बराबर है एक यूएस डॉलर कितने रुपीस के बराबर है एक यूएस डॉलर कितने रुपीस के बराबर है एक यूएस डॉलर कितने रुपीज़ के बराबर है एक यूएस डॉलर कितने रुपीज़ के बराबर है और फिर जब हमें अपने यूएस डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ये एक तरीका है दूसरा तरीका ये है कि मैं जो रेट है ना जिस तरह से सवाल में रुपी में दिया हुआ था ना कि एक रुपी एक रुपी कितने डॉलर के बराबर है मैं चीज़ें वैसे ही रहने दूँ अब ये कैसे करेंगे देखो जिस तरह से यहां से यहां से यहां पर आने के लिए मैंने दोनों दो साइड्स को 0.0111 से डिवाइड किया था इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको 96.212 से 72 टू रुपीज एक यूएस डॉलर के बराबर है ये पता है आपको पहले तो यही होगा ना ईयर जीरो वाला ठीक है ना मैं यहां पे जरा लिख दूँ ये ईयर जीरो है ईयर वन है ईयर टू है ईयर थ्री है ईयर फोर है ये अगेन यह नंबर ज़ीरो है ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एयर फोर यह नंबर ज़ीरो पर एक यू एस डॉलर नाइन्टी पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो ज़ीरो नाइन रुपीज़ के बराबर है या एक रुपी जो है वो यू एस डॉलर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन 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 के बराबर है यह नंबर वन पर यह नंबर वन पर एक रुपी कितने डॉलर्स के बराबर है इसके लिए मैं इस लाइन को यूज़ करूँगा और दोनों साइड्स को दोनों साइड्स को नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू वन टू सेवन टू से डिवाइड करूँगा तो रुपी जो है वो तो वन बन जाएगा जब नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू वन टू सेवन टू जो है वो नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू वन टू सेवन टू से डिवाइड होगा तो वन बन जाएगा लेकिन यहां पर ये यह जो वन है जब ये वन डिवाइड होगा 96.21272 से तो ये 0.010349 बन जाएगा ठीक है और आप ये कन्वर्जन फिर कैसे करोगे अब ये यूएस डॉलर्स हैं ठीक है ना तो एक रुपया इतने डॉलर से बनता है एक रुपया इतने डॉलर से बनता है तो इतने रुपए यानी कि 2.54 मिलियन रुपए कितने 2.54 मिलियन डॉलर्स कितने रुपए होंगे उसके लिए फिर डिवीजन करना पड़ेगा ठीक है आंसर सेम आएगा टू फोर्टी बात को समझ रहे हो तो ये दोनों तरीके यूज किए जा सकते हैं ठीक है ये दोनों चीज़ तरीके यूज किए जा सकते हैं दोनों तरीके इक्वली गुड इक्वली वैलिड तरीके, तरीके माने जाएंगे इसको ज़रा आपने थोड़ा सा जो है ना वो समझना है कि मैंने यहाँ पर क्या वर्किंग करी है ठीक है ना थोड़ा सा आपने जो है वो चीज़ों को अच्छे से देखना है कि मैंने क्या वर्किंग करी है मैं आपको इसीलिए एक मिनट का पॉज़ दे रहा हूँ ठीक है जी तो यह आपने क्या किया यह आपने जो यूएस डॉलर्स में पैसे आ रहे थे और पे कर रहे थे उसमें से और फिर जो बच रहे थे उनको आपने पी के आर में यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर दिया सही है भाई कन्वर्जन हो गई अच्छा जी अब यह कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यही आपकी अर्निंग्स नहीं है बल्कि आपको फ्रॉम ऑपरेशन इन पाकिस्तान से भी ये कुछ अर्निंग्स मिली है ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री और ईयर फोर की ठीक है तो हम अगर अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू की मेन वर्किंग पर आएं नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम वर्किंग करें ईर ज़ीरो वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ठीक है ना तो एक तो आपके पास कैश फ्लो है आउटसाइड पाकिस्तान और एक कैश फ्लो है इनसाइड पाकिस्तान कैश फ्लो आउटसाइड पाकिस्तान क्या है कैश फ्लो आउटसाइड पाकिस्तान यानी कि ईयर ज़ीरो पर आपने माल मंगवाया चाइना से उसके लिए आपने टू टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव मिलियन रुपीस पे करे ईयर वन पर आपने चाइना से माल मंगवाया और कुछ यू में बेचा नेट कर कर आकर आपको टू फोर्टी फोर पॉइंट सेवन सेवन फ़ोर एट रुपीज़ बचे इसी तरह से यह नंबर टू पर नेट कर कर आकर आपको थ्री जीरो सेवन पॉइंट फोर जीरो फाइव रुपीज़ बच गए इसी तरह से यह नंबर थ्री पर नेट कर कर आकर आपको थ्री फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन थ्री एट सेवन रुपीज़ बच गए इसी तरह से नेट कर कर आकर सारी चीज़ें आपको थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन थ्री टू फोर रुपीज़ बच गए इसके बाद कैश क्लोज इन पाकिस्तान अब पाकिस्तान में यह नंबर वन पर थ्री 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 के कैश क्लोज़ हैं लेकिन ये याद रहे कि ये इन्फ्लेशन के बगैर है इन्फ्लेटेड नहीं है तो आप इसको इन्फ्लेट करोगे यानी कि आप इसको वन प्लस टेन परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये थ्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री बनता दूसरे साल के आपके पास थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी दिए हुए इसको आप दो सालों की इन्फ्लेशन इसमें शामिल करोगे दो साल की इन्फ्लेशन शामिल करने का यानी कि मतलब यानी कि वन प्लस टेन परसेंट वन प्लस टेन परसेंट पावर टू करोगे फोर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव बना तीसरे साल आपके पास फोर वन फोर है इस फोर वन फोर को आप वन प्लस टेन परसेंट वन प्लस टेन परसेंट पावर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव वाई वन पॉइंट जीरो थ्री बना और इसी तरह से यह नंबर फोर पर जो आपके पास साढ़े चार सौ है इस साढ़े चार सौ को आप मल्टीप्लाई करोगे वन प्लस टेन परसेंट पावर फोर से सिक्स फिफ्टी एट पॉइंट एट फोर बना तो अब आपके टोटल कैश फ्लोस क्या हुए आपने सबको ऐड कर लिया टोटल ठीक है ना ये टोटल कैश फ्लोस आपके आ गए हर साल के सही है भाई अच्छा जी अब आपका डिस्काउंट फैक्टर आपने कैलकुलेट करना होगा अच्छा डिस्काउंटिंग का रेट सर क्या यूज़ करेंगे देखिए सवाल में क्लियरली मेंशन है कि कंपनी जो है ना वो नॉमिनल क्या डिस्काउंट रेट यूज़ करती है और नॉमिनल डिस्काउंट रेट तेरह परसेंट सवाल में दिया है तो पहला हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर ज़ीरो ठीक है पहला हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर जीरो दूसरा हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर वन फिर हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर टू फिर हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर थ्री फिर हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस तेरह परसेंट पावर फोर और अब हम अपने फाइनली जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला लगाकर हर साल और फाइनली हम अपनी एन पी वी कैलकुलेट कर सकते हैं सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ को एड अप करके तो वन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है आंसर ठीक है भाई आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हैं और कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट जो कंफ्यूजन होती है वो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है राउंडिंग ऑफ की वजह से आपका आंसर थोड़ा उच हो सकता है वन टू टू परसेंट आंसर जो है वो चेंज हो सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से ये हमारी एन आ गई एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक पर्टिकुलर तरीका था ठीक है ना सवाल में लिखा था कि एन ढूंढो फिर लिखा हुआ था डिस्काउंटेड पे पीरियड ढूंढो अच्छा जी डिस्काउंटेड पे पीरियड भी ढूंढना है तो देखिए मैं डिस्काउंटेड पे पीरियड ढूंढ रहा हूँ बहरहाल मेरा मेन फोकस ये होता है कि मैं आपको सवाल समझा दूँ फॉर्मेटिंग का इतना ख्याल नहीं रखता मैं अलबत् हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की वर्किंग करते हैं ईयर जीरो ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर सारी ईयर्स हैं आपने इन्वेस्टमेंट करी टू टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव की पहले साल डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है तो डिस्काउंटेड वैल्यूज लेंगे पहले साल की वैल्यू फाइव फोर्टी पॉइंट सेवन सेवन है ये रिकवरी हो गई तो बच गए सेवन वन वन समूसरे साल की क्या रिकवरी है फाइव सेवेंटी टू पॉइंट फोर वन है तो ये बच गया दूसरे साल वाला अमाउंट वन वन थ्री नाइन तीसरे साल की क्या रिकवरी है तीसरे साल की सिक्स ट्वेंटी टू पॉइंट एट नाइन की रिकवरी है तो ये आपका हो गया फाइव सिक्सटीन पॉइंट वन एट चौथे साल की क्या रिकवरी है चौथे साल की रिकवरी सिक्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जीरो है जो कि टोटल रिकवरी जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब देखिए तीन साल तो पूरे हुए एक साल पूरा हुआ दूसरा साल पूरा हुआ तीसरा साल पूरा हुआ लेकिन चौथे साल में हमें फाइव सिक्सटीन पॉइंट वन एट चाहिए और सिक्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आ रहे हैं तो चौथा साल पूरा नहीं हुआ चौथा साल जो है वो कितना हिस्सा हुआ जीरो पॉइंट एट थ्री से तो आंसर होगा थ्री ईयर थ्री पॉइंट एट थ्री ईयर्स थ्री पॉइंट एट थ्री ईयर्स आंसर होगा ठीक है जी थ्री पॉइंट एट थ्री ईयरस आंसर होगा इसके बाद जी सवाल अगली क्या चीज पूछता है अगली चीज़ है इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न अच्छा जी इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक और डिस्काउंट रेट लेना होगा लेकिन ये वर्किंग मैंने तेरह परसेंट के हिसाब से करी है और तेरह परसेंट के हिसाब से एन टी वी पॉजिटिव वन ज़ीरो सिक्स पॉइंट थ्री थ्री आ रही है तो मैं इस परसेंटेज को इंक्रीज कर देता हूँ डेट से अट्ठारह परसेंट ले लेते हैं अट्ठारह परसेंट के हिसाब से नए डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है अट्ठारह परसेंट के हिसाब से नए डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा मेरे पास क्योंकि मैं एक्सेल में वर्किंग कर रहा हूं तो वर्किंग काफ़ी जल्दी हो सकती है लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि टाइम लगे ठीक है ना अट्ठारह परसेंट करना है अठारह परसेंट करना है अठारह परसेंट करना है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एटीन परसेंट पावर टू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एटीन परसेंट पावर थ्री वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एटीन परसेंट पावर फोर ये वाली कहानी चल रही है अट्ठारह परसेंट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं कैसे आएंगी देखिए जी इसको नए वाले डिस्काउंट फैक्टर से यानी कि वन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है जनाब और नई वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी कैसे आप इन सबको ऐड कर देंगे 138.93 की नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करते थे आई आर आर निकालने के लिए एक ए परसेंट हमें चाहिए एक हमें एन पी वी ए चाहिए एक हमें बी परसेंट चाहिए एक हमें एन पी वी बी चाहिए ए परसेंट हो गया तेरह परसेंट बी परसेंट हो गया अट्ठारह परसेंट एन पी वी ए की वैल्यू आ रही है वन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री थ्री पॉजिटिव एन पी वी बी की वैल्यू आ रही है वन थर्टी एट पॉइंट नाइन थ्री नेगेटिव IRR का फॉर्मूला क्या था ए परसेंट ए परसेंट ठीक है प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए परसेंट ये जो फॉर्मूला मैंने पिछली आपको वर्किंग्स में सिखाया है उसी से ये हमने कर दिया ए परसेंट यानी कि तेरह परसेंट प्लस एन पी वी ए यानी कि वन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाय एन पी वी ए माइनस एन पी वी बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी परसेंट सही है अच्छा इसमें कहीं पर हो सकता है कि मैं जो है वो इसको पहले सॉल्व करना है इसको ब्रैकेट में डालते हैं Uh, कहीं पे मैं कोई एरर कर रहा हूँ एक मिनट रुकिएगा फॉर्मूले में ए परसेंट यानी कि तेरह परसेंट प्लस एन पी वी ए यानी कि वन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री बिल्कुल सही है डिवाइडेड बाय हाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं हम ये ब्रैकेट में आना चाहिए ना क्योंकि नीचे डिवाइड होगा हाँ तो ये बन रहा है आपका कोई 15.17 परसेंट का आई आर आर आई आर आर भी आ गया ठीक है ना अच्छा एम आई आर आर भी ढूंढना एम आई आर आर भी ढूंढ लेते हैं एम आई आर आर की क्या वर्किंग होती थी एम आई आर आर के मुख्तलिफ़ फॉर्मूले होते थे जिसमें से एक फार्मूला ये था कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस पावर वन ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस वन ठीक है ये फॉर्मूला आप लोग जो है वो आपको जो हैंड आउट दिए हुए हैं उससे देख लें और पिछली स्लाइड से देख लें एम आई आर आर का फॉर्मूला आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस मेरे पास है ये मेरा रिटर्न फेस था ठीक है ना मैं इसका सम कर देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज टू थ्री फाइव एट समथिंग आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज यानी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उसकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए मैं बाहर माइनस लिख देता हूँ ये शीट भी आपको मिल जाएगी अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ठीक है अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तेरह परसेंट है वो मुझे पता है तो जो फॉर्मूला था उस हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन आप लोगों के पास नोट होना चाहिए पावर वन ओवर एन पावर वन ओवर एन वन ओवर एन का मतलब वन ओवर फोर क्योंकि चार साल है वन ओवर एन का मतलब वन ओवर फोर क्योंकि चार साल है ठीक है मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानि कि तेरह परसेंट माइनस One. ये कोई फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट आ रहा है सही है ना तो हमें जो चीजें कैलकुलेट करनी थी एम आई आर आर आई आर आर एन पी वी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ठीक है ना इसको हम समराइज कर देते हैं अगर अच्छा जी अगला क्या था द टू ऑप्शन यूजिंग एन टी डिस्काउंटेड पीपे पीरियड आई आर एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिव ग्रीफ कमेंट्स और नीच और दी अवर मेथड ऑफ एवल इन ए इन द गविन सिचुएशन फॉर द पर्पज ऑफ वेलूशन इज यूम दैट वी एज अ फोर इयर टाइम ऑनजॉन फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्व सेवेंटीन मार्क्स देखिए आपके मेजोरिटी मार्क्स तो यहीं पर आ गए आपके आप समझे कि आपने ये अगर सब सही कर दिया और डिटेल में सही से कर दिया और जिस तरह से आईकेफ के आंसर होते हैं उस तरह से एक वेल well एक्सप्लेनेशन दे दी अच्छी और वर्किंग पूरी दिखा दी तो आप समझ लें सत्रह में से आपने चौदह मार्क्स तो उठा लिए अब आपने कमेंट्स भी देना है तो देखें अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना ऑप्शन नंबर वन से ऑप्शन नंबर वन की एन पी वी एटी टू मिलियन है इसकी वन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री थ्री है ये बेहतर है ऑप्शन नंबर वन का डिस्काउंटेड पीरियड थ्री पॉइंट वन है इसका थ्री पॉइंट एट थ्री है ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो कुछ महीने ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसका टेन पॉइंट फाइव परसेंट है इसका फिफ्टीन पॉइंट वन सेवन परसेंट है बहुत ज़्यादा बेहतर है एम आई आर आर उसका थर्टीन पॉइंट टू परसेंट अप्रोक्सीमेटली है और इसका फोर्टीन पॉइंट थ्री वन परसेंट अप्रोक्सीमेटली है यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर है तो ओवरऑल जो रिकमेंडेशन होगी ना वो तो ये होगी कि आप ऑप्शन नंबर टू को सेलेक्ट करो अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वो थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू की बेहतर हैं तो ये हमारा एक पास पेपर का क्वेश्चन था इसको दोबारा से करिएगा और जिन बच्चों को भी इस पास पेपर के क्वेश्चन में क्वेरी हो वो मुझसे कभी भी इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया अल्लाह